कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी किसान भाइयों को गंदरू भाई का नमस्कार और झुमकी बहन के तरफ से भी आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों को जोहार। तो झुमकी बहन, आज हम बिना लेट किए हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और अपने किसान भाइयों को लिए चलते हैं, दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलामू में सूकर और बकरा प्रजनन इकाइयों की होगी स्थापना। इस वर्ष देश में खरीफ फसलों की बुआई के रकबा में वृद्धि। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद 9107। अब समाचार विस्तार से। पलामू जिला पशुपालन विभाग की ओर से जिले में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 18 सूकर प्रजनन इकाई और 12 बकरा प्रजनन इकाई स्थापित करने की योजना बनाई गई है। सूकर प्रजनन इकाई की योजना लागत 3 लाख रुपए है, जबकि बकरा प्रजनन इकाई की योजना लागत 1 लाख रुपए है। इसमें आर्थिक मदद के रूप में सरकार की ओर से 50% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावे पारावेट प्रशिक्षण के लिए 4 उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा। इन योजनाओं से लाभ लेने के इच्छुक जिला पशुपालन अधिकारी के कार्यालय में 26 सितंबर 2015 तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय को 28 अगस्त तक देश के सभी राज्यों से मिले आंकड़े के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान, दलहन, मोटे अनाज और तिलहन की बुआई के रकबा में बढ़ोतरी हुई है, जबकि गन्ना, पटसन, मेस्ता और कपास की बुआई के रकबा में कमी आई है। पिछले साल इस अवधि तक खरीफ फसलों की कुल बुआई का रकबा 956.93 लाख हेक्टेयर था, जो इस वर्ष 28 अगस्त तक बढ़कर 967.83 लाख हेक्टेयर हो गया है। मटर की अगाध खेती किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा दिला सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ अगाध के लिए ही अनुशंसित उन्नत प्रभेद का ही चयन किया जाना चाहिए। मध्य खेती की तुलना में अगाध खेती में कम उपज मिलती है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत ज्यादा होती है। किसान भाइयों, हम अगाध या पिछाद खेती में एक बड़ी गलती करते हैं कि मध्य खेती वाले प्रभेद लगा देते हैं, जिससे हमें उम्मीद के मुताबिक उपज नहीं मिलती। अभी अगाध मटर लगाने का समय है। मटर की अगाध खेती से अच्छी उपज लेने के लिए अगाध के लिए ही अनुशंसित प्रभेद लगाएं। इससे आपको अगाध मटर के उत्पादन क्षमता के अनुसार उपज मिलेगी और अच्छा मुनाफा होगा। जब अगाध मटर की खेती करेंगे आप, तो उपज आपको कम मिलता है। कोई भी चीज़ की अगर अगाध खेती करते हैं तो उसमें उपज कम मिलता है, लेकिन पैसा उसमें ज़्यादा मिलता है। अगाध खेती में आपको सिर्फ किस्म का ध्यान देना है कि अच्छे किस्म का चुनाव करें, जो किस्म उस समय लगने वाला हो। अगर लेट सीजन वाली किस्म को आप अगर अर्ली अगाध में लगाते हैं तो फिर उसका उपज आपको फर्क पड़ जाएगा। तो किसान भाई, अच्छे किस्म का चुनाव जरूर करें कि अगाध में कौन लगने वाले किस्म है, मध्य में कौन लगने वाला है और लेट में कौन लगते हैं। आने वाले महीनों में यानी रबी मौसम में जो किसान गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वो झारखंड के मौसम और मिट्टी के अनुकूल उन्नत प्रभेद लगाएं। आइए इन प्रभेदों के बारे में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। खास करके गेहूं में वैसे प्रभेदों का सिलेक्शन करना है जो कि कम अवधि में, जैसे कि K9907, यहाँ के लिए बहुत उपयुक्त प्रभेद है, उसको किसान लगाएं। उसके अलावा यहाँ पर HD सीरीज का जो भी है 27-37 पूर्व से लगाए, वो तो इरीगेटेड के लिए, लेकिन हमारा कहना है कि K9107 यहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा एरिया में लगाएं, क्योंकि उनको कम पानी में अच्छी आप उपज प्राप्त होगी। किसान भाई, कृषि यंत्र सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर की मदद से अनाज वर्गीय फसल या तेलहनी फसलों को काटने और कटी फसल को कतारबद्ध तरीके से जमीन पर रखने का काम कर सकते हैं। ये इंजन से चलने वाली मानव चलित यंत्र है, जिससे 60% मजदूरी की बचत और 60% संचालन खर्च में बचत होती है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए एक गंध पास यानी एक फेरोमोन ट्रैप 5 एकड़ की दर से लगाएं।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1825 रुपए से 2280 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2675 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 6100 रुपए, गेहूँ 1625 रुपए से 2050 रुपए, चना 4580 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 9480 रुपए से 12850 रुपए, दाल मसूर 8300 रुपए से 8850 रुपए, दाल चना 5700 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 9850 रुपए से 11800 रुपए, चीनी 2580 रुपए से 2960 रुपए और प्याज 3500 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आप लोगों को जानकारी मिली मौसम के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। तो जानकारियां तो किसान भाई हमारे पास बहुत है, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और तुरंत हाजिर होते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। तब झुमकी बहन, आज अपने किसान भाइयों को हम कौन से जानकारी दिलाएंगे? गंदू भाई अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि जैविक कीटनाशक दवाई के बारे में और उनके फायदे के बारे में। अच्छा, क्योंकि अच्छा। हम लोग देखते हैं गंदरू भाई कि रासायनिक खाद का प्रयोग काफी महंगा हो गया है हमारे किसान भाइयों के लिए, और उसके बुरे प्रभाव भी हैं। फसल तो जो अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो प्रोटीन सब्जियों में होती है, विटामिन होते हैं, वो खत्म होती है और हमारी मिट्टी की उर्वरता भी खत्म होती है। हाँ, तो इसलिए हम लोग जैविक कीटनाशक दवा के बारे में अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि उनके प्रयोग से फसल तो ज्यादा से ज्यादा होती ही है और उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन विटामिन भी मिलते हैं। हाँ हाँ, आज हम इसी विषय पर जानकारी दिलवाएंगे अपने किसान भाइयों को, जो जानकारी देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर नीना भारती जी। किसान भाइयों, आज हम अपने इस अंक में चर्चा करेंगे जैव कीटनाशक का प्रयोग एवं उसके फायदे के बारे में। मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि जैव कीटनाशक कौन कौन से महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक हमारे किसान भाइयों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं उनके खेतों में। जैसे जैव कीटनाशी में जैसे बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, कुछ पौधों से भी, पौधे के पत्तियों से भी और डंठलों से भी बनाया जाता है। तो जैसे बैक्टीरिया से है बायोलेप, हॉल्ट, फिर से डेल्फिन, ये सब आते हैं दवा जो कि फली छेदक को, जैसे हो गया कि फली छेदक, चना का फली छेदक में भी और तंबाकू के पिल्लू के रोकथाम में भी काम आते हैं। इसके अलावा हो गया वायरस, वायरस में हेलियोकिल आता है और स्पोडोसाइट आता है। हेलियोकिल हो गया जो कि मिर्च हो गया, चना हो गया के फली छेदक में काम आते हैं, और स्पोडोसाइट हो गया
वो तंबाकू के पिल्लू के रोकथाम में काम आते हैं। इसके अलावा हो गया आपका नीम से निर्मित जैविक कीटनाशी होते हैं, जैसे बाज़ार में हमारे मिलते हैं अचूक निम्बसिडीन, अचूक निम्बसिडीन, ये सब आते हैं जो बाज़ार में हमारे मिलते हैं। अभी आपने जो जिक्र किया कि नीम से भी निर्मित होते हैं, तो क्या हमारे किसान भाई अपने घरेलू उपचार के लिए, मतलब खेतों में प्रयोग करने के लिए, अपने घरों में ये इसे बना सकते हैं? जी, तो जैसे नीम से हम जैसे पत्ती होता है उससे भी हम बनाते हैं। तो नीम की पत्तियों से जैसे हम क्या करते हैं, एक बाल्टी किसान भाई पानी ले ले, उसमें पूरा नीम की पत्ती भर दे और उसे करीब रात भर 4 दिन तक उसे छोड़ दे। 4 दिन छोड़ने के बाद 5वें दिन उस नीम को अच्छी तरह से मिला करके उसे किसान भाई निकाल ले, और उसके बाद उसमें अगर दवा हो टिपॉल सेंडोविट, अगर नहीं हो तो किसान भाई साबुन उसमें मिला करके तब वो छिड़काव करे। तो इससे क्या होता है कि जो दीमक है, गोभी का फनगा है, फिर ब्रिंग है और पिल्लू है, ये सब को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा कि अगर नीम का पत्ता है उसे हम क्या करते हैं कि एक देगची जो होती है बर्तन में ले करके उसे उतना ही पानी भर करके उसको करीब इतना खौलाया जाता है कि अगर हम 4 मग पानी लिए हैं तो उसे हम 2 मग कर दें, किसान भाई उसे 2 मग कर दे। एक जो किसान भाई बोलते हैं लीकर जो चाय बनाया जाता है उस कलर का आ जाना चाहिए, उस कलर के आने के बाद उसे फिर पानी में ठंडा करके पानी में मिला ले, और उसके बाद साबुन का जो घोल है वो उसमें मिला करके किसान भाई कोई भी सब्जी की खेती में छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम साबुन बोलते हैं कि क्यों मिलाया जाता है, वो एक चिपकने का काम करता है, तो इसलिए किसान भाई को साबुन अगर है तो वो मिला ले, या तो फिर वो दवा आती है सेंडोविट टिपॉल वो आप मिला सकते हैं। इसके अलावा हो गया नीम के बीज से भी लोग किसान भाई बना सकते हैं। तो नीम का बीज, जैसे नीम का बीज वो इकट्ठा कर लें, 1 किलो बीज लेकर के उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसे 20 लीटर पानी में डाल करके उसके किसान भाई उस घोल को मिला लेने के बाद पतले कपड़े से छान लें। छान लेने के बाद उसमें कम से कम वो 20 लीटर जो घोल बना है उसे फिर 20 ग्राम साबुन का घोल डाल करके फिर वो जो भी ये लगा हुआ कीट व्याधि लगी हुई उस पर वो छिड़काव कर सकते हैं। झारखंड प्रदेश में बरसात का मौसम है, तो किसान भाई इन दवाओं को छिड़कने का जो वक्त होता है बरसात के मौसम में, वो कब इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसे जैसे दवा जो हम बोलते हैं तो शाम में ही बोला जाता है छिड़काव करना चाहिए। अगर बारिश आ गई हो तो फिर दूसरे दिन किसान, क्योंकि कोई भी दवा है उसे हम हफ्ता 15 दिन 7 दिन ऐसे बोलते हैं कि अल्टरनेट डे पर उसको छिड़काव करना चाहिए, लेकिन अगर बारिश आ गई हो बरसात के मौसम में तो वो दूसरे दिन फिर छिड़काव कर सकते हैं। हमारे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई के घर में गाय का भी पालन बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि गोमूत्र से भी बहुत सारी कीटनाशक दवा बनाई जाती है, तो वो कैसे बनाई जाती है और हमारे किसान भाई अपने खेतों में उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे किसान भाई गोमूत्र से भी सब्जियों में छिड़काव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें 5 किलो गोबर लेना होगा, 5 लीटर पानी और 5 लीटर गोमूत्र लेना होगा। इन सबको एक मिट्टी के बर्तन, चाहे वो घड़ा हो या मिट्टी के बर्तन जो आते हैं उस पर रख करके उसे ढक दें, और करीब उसे ढक करके 4-5 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसको 4-5 दिन के बाद वो गोबर सड़ जाएगा, तब उसके 80 से 100 लीटर पानी में मिला करके उसमें फिर वही साबुन का घोल 20 ग्राम डाल करके फिर उससे सब्जियों में छिड़काव कर सकते हैं। तो ये जो सारे दवा हैं, क्या ये सारे सब्जियों पर, सारे फसलों पर उपयोग किया जा सकता है या अलग अलग फसलों पर? सब्जियों पे, ये सारी सब्जियों पे नीम से निर्मित जो हमने बताया वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई, क्योंकि ये सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है, और ये सारी सब्जियों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने बताया भी कि ये रस चूसने वाले कीड़े पर भी करता है, कुछ में है कि आपका दिमाग को भी मारता है, इस तरह से अलग अलग ये है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। जो हमारे किसान भाई ये जो कीटनाशक जो दवा अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे छिड़कते वक्त, इसे अपने खेतों में फैलाते वक्त हमारे किसान भाइयों को क्या महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे ये तो कि जो हमने बताया कि ये
जैव कीटनाशी हैं, तो ये तो मतलब मनुष्य के लिए और जानवरों के लिए, पशु के लिए ये फायदेमंद ही है। लेकिन अगर जैसे किसान भाई अगर कोई रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव किए हैं तो वो जैविक कीटनाशक का छिड़काव ना करें, और जैसे इस तरह से ज़रूरी है क्योंकि वो अगर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर रहे हैं और खेतों में पहले से रासायनिक ये कर दिए तो वो नुकसान देगा, फसलों पर भी नुकसान होता है। इसके अलावा जैसे हमने ट्राइको कार्ड बताया था तो वो भी किसान भाई लगा सकते हैं, वो किसान भाइयों को वो ट्राइको कार्ड को शाम में लगाना चाहिए, उसका उपयोग धूप के किरण नहीं पड़नी चाहिए। जो ट्राइको कार्ड है वो 16 भाग में उसको टुकड़ों में काट लिया जाता है और उसे किसान भाई खेतों में जहाँ पे जैसे हमने बताया कि धान की तना छेदक के लिए, तो उसमें है कि शाम के समय किसान भाई कार्ड को फाड़ करके वो निचले पत्तियों में पौधा धान के पौधे के निचले पत्तियों में उसे स्टेपल कर दे या तो फिर उसे कोई भी ऐसे धागे से बांध दे या पिन से उसे चिपका दे। इस तरह से करने से क्या होगा कि वो जो सूर्य की किरण है उससे वो कीट को प्रभाव पड़ता है और वो शाम में लगाने से कीटों को प्रभाव कम पड़ता है। इसके अलावा हो गया कि ये शाम में लगाने के बाद हमें वो छोड़ देना है, और ये कीट क्या है जो ट्राइको कार्ड है वो सिर्फ अपने दुश्मन कीट को ही उस पर अंडे दे करके उसको मारती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि मैम ने हमें कीटनाशी प्रयोग के बारे में, उससे सावधानी के बारे में हमें कितनी अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी प्राप्त करके आप अपने खेतों में इस्तेमाल करके बहुत अच्छे पैदावार करेंगे और अपने बच्चों को, देश को आगे बढ़ाने में आप खुशहाल जीवन व्यतीत भी करेंगे। मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, जानकारी तो बहुत अच्छी लगी गंद्रु भाई। हमारे किसान भाई इसी तरह विशेषज्ञों की सलाह के द्वारा ही अपने खेतों में कीटनाशक दवा का प्रयोग करें तो हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा। बात तो सही है, लेकिन झुमकी बहन, हम जानकारी तो और देंगे अपने किसान भाइयों को, लेकिन उससे पहले एक देखते हैं छोटा सा संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। आज हम अपने किसान भाइयों की को कौन सी जानकारी दे रहे हैं? अभी दूसरी जानकारी हम देंगे कि धान में लगने वाले जो कीट है और उससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान सहना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा गंद्रू भाई, क्योंकि अभी देख रहे बारिश का मौसम है। हमारे किसान भाई धान की फसल लगाए हुए हैं अपने खेतों में, धान की फसल है जो लहलहा रही है। अगर हमारे किसान भाई को पता नहीं चल पाता है कि उसमें कौन सा कीट लग गया है जिसके कारण वो पत्तियां ऐसे हो रही है और जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान सहना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा, तो हमें लगता है कि हमारे किसान भाइयों को अपने विशेषज्ञ की सलाह जरूर इनको देनी चाहिए ताकि वो कीट से बचा सके अपने फसलों को। और ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आज हम अपने किसान भाइयों को इसी बारे में जानकारी दिलवाएंगे, जो जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अटल बिहारी तिवारी जी। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र विशुनपुर गुमला के प्रांगण में, और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं धान की फसल में होने वाले रोग एवं उसके निदान के विषय में। तो ये बताएं कि धान में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग लगते हैं, इस विषय पर आप बताएं। झारखंड में मुख्य रूप से धान में जैसे झोंका रोग, जिसको ब्लास्ट बीमारी कहते हैं, दूसरा है कि यहाँ पर कुछ समय से आ रहा है ब्लास्ट के बाद आता है स्पॉट, छोटा छोटा आ जाता है। उसमें क्या है कि ब्लास्ट आने के बाद पौधे की जो ग्रोथ है वो क्या है, रुक जाती है। ग्रोथ के साथ साथ क्या है कि जो पत्ती है, पत्ती में बिल्कुल नाव के आकार का एक धब्बा बनता है, जो धीरे धीरे क्या होगा कि बीच में बिल्कुल सूखे टाइप में हो जाएगा, सफ़ेद टाइप में बनने लगेगा। उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादा होने पर पूरे पौधे के ऊपर, पत्तियों के ऊपर वो बन जाएगा, पूरे तना पर भी उसका धब्बा बनने लगता है। जब धब्बा बनने लगता है
तो क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ भी धीरे धीरे कम हो जाती है, और पूरे पौधे को अगर इस तरीके से कर लेता है तो उसकी उपज जो है लगभग 60 से लेकर 80% तक प्रभावित हो जाती है। तो हमारे प्रदेश में जो धान किसान भाई उगाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से और कौन कौन से रोगों का प्रकोप होता है? उसके बाद हमारा आता है शीत ब्लाइट आता है, जो क्या करता है कि पौधे के पत्ती से जो है शुरू होता है, जो बिल्कुल किनारा भाग होता है वहाँ शुरू होता है, उसके बाद उसके शीत पर मतलब पूरे शरीर पर उसका सड़ने टाइप में बीमारी आने लगती है। जब वो सड़ने टाइप में जो बीमारी आने लगती है उसी को बोलते हैं शीत ब्लाइट। ये बीमारी जो है ज़्यादातर खेत के मेड़ से प्रारंभ होती है, मतलब उसका जो स्पोर है वो खेत के मेड़ पर रहता है। जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, लगभग 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर मिल जाता है, उसके बाद 80 से 90% ह्यूमिडिटी मिल जाता है, तो उस बीमारी का ग्रोथ बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ क्या होता है, हल्की हवा चलने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगता है, धीरे धीरे पूरे खेत में बीमारी फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि ये पौधा पहले तो नीचे की पत्तियों से सड़ना शुरू हो जाएगा, सड़ते सड़ते ऊपर तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें टीलर जो जिसको कल्ला बोलते हैं वो कम बनने लगता है। कम बनने के कारण क्या होता है कि उसका ग्रोथ भी कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ कल्ले कम बनेंगे तो उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जिससे लगभग यहाँ पर देखा गया है कि लगभग 40 से 50% तक उपज में कमी आती है। तो आगे और कौन कौन से रोग लगते हैं जिससे किसान भाइयों को बचना चाहिए, अपने फसल को बचाना चाहिए, इसके बारे में और उनके लक्षण के बारे में भी आप बता दें। देखिए, झारखंड के परिवेश में अभी एक बीमारी जो लगभग 4-5 साल से ज़्यादा आ रही है, वो फाल सिसमट है। फाल सिसमट के से क्या हो रहा है कि दानों में एक तरीके का ये फूटा टाइप में पूरा भूरा और काला रंग का बड़ा सा दाना बन जाएगा। उससे क्या होता है कि कहीं कहीं पर तो लगभग 40-50% तक उसमें इस तरीके का दाना बन जाता है, उसका भूरा से काले रंग का रहेगा। वो क्या होता है कि आपको बाद में दिखाई देगा जब बाली निकल आती है, उससे पहले उसका लक्षण कम दिखाई देता है। लेकिन हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि जिस खेत में ये बीमारी आई हुई है उस खेत में हम जो धान की फसल लगाए हैं उसके लिए हमको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। उस तैयारी में हमको क्या करना है कि जब ये बाली जो है धान की बाली गाभा में आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं बूट लीफ स्टेज, उस पीरियड में आ जाता है, तो एक दवा है जो आसानी से मिल जाती है बाज़ार में, ब्लू कापर है। ब्लू कापर को हम क्या करते हैं कि जब गाभा में बाली आने के बाद 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर हम 7 से 10 दिन के अंतराल पर 2 बार अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी। इसके बाद झारखंड में एक BLB होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी, कहीं कहीं पर कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है जिसके कारण क्या है कि उससे भी हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये हमारा लगभग 20 से 25% तक इसके कारण हमारा उपज प्रभावित होता है। इसका मुख्य जो लक्षण है इसमें क्या है कि पत्तियां जो है सिरे से क्या होगा सूखने टाइप में लगेगा, और खेत के एक किनारे से कहीं से शुरू होगा कि एक जगह से शुरू होगा, वो धीरे धीरे फैलते जाएगा, लगेगा कि वो जलना शुरू हो गया है। और उसको हमको रोकने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जहाँ से शुरू हुआ है हम किसान भाई को ये सलाह देते हैं, जहाँ से शुरू हुआ है उससे जो अच्छी भी फसल है वो लगभग 1 मीटर दूर से अगर हम काट के हटा देते हैं तो क्या होगा कि उसका जो बैक्टीरिया है एक पौधे से दूसरे पौधे पर नहीं पहुँचेगा, अगर नहीं पहुँचेगा तो ये बीमारी काफ़ी हद तक रुकेगी। दूसरा क्या है कि हम जैसे रासायनिक दवा का हम उपयोग करते हैं, रासायनिक दवा के प्रयोग करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और प्लस उसके साथ में ब्लू कापर का अगर हम स्प्रे करते हैं तो इससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। किसान भाई इसका निदान नियंत्रण किस तरह से कर पाएंगे, क्या दवा छिड़काव करेंगे, इसके बारे में आप बता दें। ब्लास्ट को कंट्रोल करना है तो अभी बाजार में जो रासायन दवा उपलब्ध है उसके लिए है ट्राईसाइक्लाजोल को 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से अगर हम मिलाकर स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जैसे हम बता रहे थे शीत ब्लाइट के लिए हम प्रोपिकोनाजोल 2 ml पर लीटर के हिसाब से अगर हम स्प्रे करते हैं तो क्या होगा कि बहुत हद तक इसका निदान होगा। इसके साथ साथ जो आपका फाल सिसमट में हम बताए कि उसमें आप ब्लू कापर का इस्तेमाल करें, ब्लू कापर 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर मिला करके हम अगर स्प्रे करते हैं बूट लीफ स्टेज पर और उसके 7 से 10 दिन बाद अगर दूसरा हम स्प्रे कर देते हैं तो ये बीमारी हमको नहीं मिलेगी।
बाजार में कहाँ पर किसान भाइयों को ये दवा उपलब्ध होंगे और इस पर क्या खर्च आता है, इसके बारे में आप बता दें। वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पर अगर हम मांगते हैं तो वहाँ पर आप ये देखें कि रजिस्टर्ड भी हो, उसके साथ साथ हम उसके बोतल पर देखें कि उसका डेट क्या है, कब बना है, कब इसका एक्सपायरी है, ये सब देखते हुए अगर हम लेंगे तो वो क्या है कि ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा दिन तक काम करेगा। दूसरा क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर दुकानदार हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और दुकान भी कर रहे हैं, अगर किसान भाई उसका उचित लक्षण बताकर बताते भी हैं तो उनको उचित दवा नहीं मिलती है। इसके लिए किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं, हमारी गुजारिश है कि कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें या जो ब्लॉक में BTM या SMS हैं उनसे संपर्क करके अगर दवा लेते हैं तो उनको उचित दवा मिलेगी और उसका उचित लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको धान की फसलों में होने वाले रोग और एवं उसके लक्षण और निदान के विषय में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों से लाभ उठाएंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी गंद्रु भाई? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इससे तो हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। चलिए गंद्रु भाई, हम अपने किसान भाइयों को चलते चलते एक और जानकारी देते हैं। जानकारी छोटी है मगर महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, तो आइए हम लोग देखते हैं, चलते हैं। आईएमडी पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, कुछ इलाकों में 8 मिलीमीटर वर्षा भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का संभावित अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। 20 से 25 दिन पहले रोपे गए धान फसल में खरपतवार नियंत्रित करने के बाद यूरिया का भुरकाव करें। साथ ही ऊपरी जमीन में जून में सीधी बोई गई धान की फसल इस समय पुष्पा अवस्था में होगी। इस समय गंधी बग कीट के रोकथाम के लिए क्लोरोपारिफॉस घोल 10 किलो प्रति एकड़ की दर से साफ मौसम में भुरकाव करें। वाह, जानकारी तो बहुत अच्छी लगी। हमारे किसान भाइयों इससे बहुत फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, हम लोग को चलने का समय तो हो ही गया है। हाँ, और उससे पहले हमेशा की तरह हम अपना पता बता दें अपने किसान भाइयों को। हमारे किसान भाई कॉपी कलम निकालें और हमारा पता नोट करें। पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, ट्रेन संख्या 834001। तो हमें दीजिए इजाजत किसान भाइयों, हम अगले अंक, अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।